हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिफरेंट इंटीग्रल के इस पार्ट में एज ए लिमिट ऑफ सम स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। देखिए, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिफरेंट इंटीग्रल का ही पार्ट है। देखो, सबसे पहले ये आप ये जान लीजिए कि डिफरेंट इंटीग्रेशन करने का दो तरीका होता है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट इंटीग्रल, इसको सॉल्व कर फंडामेंटल थ्योरम। दो तरीके होते हैं जिससे हम डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक तरीका है, और एग्जाम में लिमिट ऑफ सम स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीजें पहले वीडियो में बता चुका हूँ। कि देखो, मैं आपको सबसे पहले डिफरेंट इंटीग्रल का वास्तव में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और टॉपिक तो हमारा डिफरेंट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल में थोड़ी सी बात इसलिए करेंगे, आपको मैं रिवीजन थोड़ा सा कराना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ी सी चीजें के बारे में एक आइडिया लग जाए और चीजें बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होकर आपको समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, ये ग्रेशन है। अब देखिए, सबसे पहले डिफरेंट इंटीग्रल देखिए क्या था। डिफरेंट इंटीग्रल को आपको मैंने करते हुए बताया था, अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल को ज्योमेट्रिकल वे में अगर बात करें तो कोई भी ऐसा कोई ग्राफ रहता था, कर्व रहता था, तो कर्व के अंडर हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला पार्ट जो नीचे इस कर्व के नीचे जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट अगर हमें एरिया के रूप में फाइंड आउट करना होता था, तो क्या करते थे आप ये लोअर लिमिट ए और ये बी, ये वाई कोस टू एफ एक्स होता था, ये एफ एक्स है, ये वाई कोस टू है, तो ये फंक्शन तो हमें बताया वाई कोस टू एफ एक्स है। तो क्या करते थे आप, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना होता था तो आप लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एस करते थे। देखो, ये हो गया एक डिफरेंट इंटीग्रेशन हुआ। इसी को हम दूसरे भाषा में अगर बोले, अगर ज्योमेट्रिकल वे में बात करें तो ये होता है एरिया। एरिया बोल दो, इसको आप एनर्जी बोल दो, अगर इंजीनियरिंग के टर्म में अगर बात करो तो ये एनर्जी भी होती है, इसको हम इंजीनियरिंग टर्म में एनर्जी फाइंड आउट करना भी बोलते हैं। इसका अभी आपको विशेष मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एरिया से ज्यादा मतलब कि एग्जाम में एरिया पे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे सीधे सीधे बोलेगा आपको एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखिए, अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ सम एज एक्सप्रेशन, जैसा कि हमारा टॉपिक है लिमिट, क्या मतलब लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या। देखो, बिल्कुल वही चीज करेंगे, मगर थोड़ा सा इसमें हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इसमें देखेंगे। ये हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, आपको ये एक्स और वाई एक्सिस दिख गया, इससे मैंने कह दिया ये आपको कर्व है, ठीक है, ये आपको कर्व है, ये आपको कर्व है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब होता है अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, सपोज कर लो एक टुकड़ा ये हुआ, एक स्ट्रिप ये हुआ, ये सारे स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप से ये हुआ, ऐसे करते अगर आप जाओगे तो लास्ट में एक स्ट्रिप यहाँ पे बना दिया, ठीक। अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए, या फिर आप ये वाले का सारे जो अलग अलग मैं इसमें क्रॉस बना रहा हूँ सबका एरिया निकाल लो और आपस में ऐड कर लो। जब ऐड करके निकालोगे तो ये जो आपको पार्ट ये वाला दिख रहा है, इसका पूरा एरिया इन टुकड़ों को जोड़ने के बाद आपको ये मिल जाएगा, पूरा का एरिया आपको पता लग जाएगा। ये बात समझ में आया, ये फ्रॉम ए टू बी ये तो आपका लिमिट हो गया, और फंक्शन हमने मान लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स ही है। तो अगर हम इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें कि कैसे आपको दिखेगा ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखिए, एक बार में सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी। अगर इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो एफ ऑफ ए प्लस जीरो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की वाली क्या बात है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर ये वाले पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स एन है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एन नंबर है, अगर इसको हमें सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें आप लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, गलत भी होता है। अब मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा गया है। अगर इस वाले पॉइंट की अगर आप बात कर रहे थे तो आप इसको लिखे थे एफ ऑफ
ए प्लस जीरो, अगर पहला पॉइंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट पॉइंट एन तक गया है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट एक कम होके लिखेगा कि नहीं? अगर सपोज कर लो ये 10 स्ट्रिप रहते, 10 स्ट्रिप रहते, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग करते तो 10वां स्ट्रिप 9 पे पड़ता, मतलब एन माइनस वन होता। तो मतलब क्या, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो, ए प्लस जीरो कर रहे हो, तो एन तक जाने के लिए आपको एन माइनस वन लिखना पड़ेगा। एक बात और, अब देखिए इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं इसकी थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट, देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, ये पॉइंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये ऐसे करके पॉइंट बढ़ रहे हैं टुकड़े में ऐसे। तो ये देखिए ऐसा है, अगर आप एन, अगर एन टर्म्स के लिए एच लिखोगे, ए प्लस एन एच लिखोगे ना, तो ये जो ये वाला मैं ओपन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता, ये यहाँ पे आ जाता, तो ये जो आपने कर्व खींचा है तो कर्व के बाहर ही चला जाता, तब भी ये आपका जो मैं बता रहा हूँ एन माइनस वन वाला टर्म जो लिया गया है यहाँ तक के लिए होता, जो वाकई में सच है। अगर आप एन लिखते तो ये कर्व के बाहर चला जाता, तो इसको वॉयलेट कर जाता, ये थ्योरम फेल हो जाता। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए अगर इतना आपको समझ में आ चुका है कि एन माइनस वन टर्म का मतलब क्या है, एन माइनस वन क्यों ले रहे हैं, अब देखिए जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हर जगह पे, ये इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से देखिए। क्योंकि हमें ये, अगर इसका एक पार्ट में आपको दिखाता हूँ, अगर यही वाला पार्ट में यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करें पहले। अगर इसको अगर आप बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसा निकल के दिख रहा है। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो आपको पता है ये क्या दिख रहा है, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। ये ज्योमेट्रिकल टर्म में बात की जा रही है, अगर आपको क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले करने हैं, क्योंकि अगर हमें इसका लिमिट ऑफ सम एक्सप्रेशन करना है, क्योंकि देखो लिमिट ऑफ सम में हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ये सारी की सारी ज्योमेट्रिकल टर्म्स पे बात होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आप ज्योमेट्रिकल टर्म पे ही बात करोगे और क्वेश्चंस करोगे, इसमें कोई फॉर्मूला चैप्टर में आपको यूज करता हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर इसका आपको एरिया निकालना होगा तो आपको पता है एल इंटू बी होता है, ये बात पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, अगर हमने कहा कि अगर आपको इसका एरिया निकालना तो आप निकाल लोगे, लेकिन मैं अगर आपसे ये कह दूं ये इसका एरिया निकालो, तो आप कहोगे सर इसका एरिया तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जिसका आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको चीजें बता देता हूँ। अगर हमने कह दिया, सपोज कर लो ये जितनी भी आपको विड्थ दिख रही है, सबकी विड्थ की लंबाई चौड़ाई क्या है, एच है, सभी की एक बराबर है। हमने कहा नंबर ऑफ विड्थ कितनी है, एच है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको इस वीडियो के बाद। देखिए अगर मैंने कहा, जो अभी एक बार इसको मैं थोड़ा सा और बना के दिखा, अगर हमने कहा कि अगर ये जो विड्थ की लंबाई हमने सबकी एच एच ले ली, अगर सबकी एच एच लो लोगे आप, और नंबर ऑफ विड्थ कितनी है, एन है, अगर हमने, और ये लिमिट ए से तो बी तक गया है, ठीक। अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है, विड्थ तो आप अगर एच निकालना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। अगर आपको एच की वैल्यू निकालनी है, एच का मतलब हो गया ये विड्थ ऑफ स्ट्रिप, क्या करोगे, बी माइनस ए को एन से डिवाइड करोगे। ये एक्चुअल में आया कैसे, मैं आपको समझा दूं, अगर बी माइनस ए करोगे ना, तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, अगर बी लिखोगे तो ये वाला पूरा पार्ट आएगा, ये वाला, और माइनस ए करोगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए टू बी बचेगा, यही हमें पूरी लेंथ पता, मतलब क्या हो गई, टोटल पूरी इस कर्व का पूरा लेंथ हमें पता लग गया। अब इसको अगर हम एन पार्ट में डिवाइड कर दें, एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एन है, नंबर ऑफ स्ट्रिप एन है, अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप एन है, अगर एन से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको ईच स्ट्रिप की विड्थ पता लग जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन, ये क्या हो गया, ईच विड्थ की लेंथ, विड्थ हो गई। जितनी भी आपको स्ट्रिप दिख रहा है, मान लो स्ट्रिप आपका ये है, इसकी चौड़ाई एच माना है, तो आपको ये चौड़ाई एच आपको दिख रहा है, एन से डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और समझने की कोशिश करिए, अगर एन इंटू एच किया जाए तो ये हमको मिलता है बी माइनस ए, मिल रहा है। अब बहुत ध्यान से देखो, अब आप ये कहोगे कि सर ये बड़ी राशि मिल जा रही है, ये तो छोटी आनी चाहिए, मगर आप ये देखो, हमने यहाँ पे आपसे कह दिया कि एन इक्व टू जीरो होगा, एन इक्व टू अगर हम जीरो ले लेंगे, या फिर एच इक्व टू अगर हमें, मानो सपोज किया जीरो लिया, तो आपका इस एक्सप्रेशन के हिसाब से एन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को की तरफ जाएगा। अगर आपने एच को जीरो लिया तो एन इन्फिनिटी हो जाएगी, ये जो मैं आपको स्ट्रिप की विड्थ निकाल के रखा हूँ, इससे आपको दिख भी रहा होगा। एक चीज उसमें समझिए,
अगर एन इंटू एच बराबर, अगर हमने बी कहा है, बी माइनस ए लिखा है, इसका मतलब ये हो गया। आप देखो ये आपको मैं समझा देता हूँ, लोगों को लगता है कि यार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये वैल्यू जीरो को टेंड्स कर रही है तो ये मतलब, अगर हमने कह दिया एन की वैल्यू, सपोज कर लो मैंने कहा 1000 है, एक में बात कर रहा हूँ, एच की वैल्यू में कहा 0.0001 है, एक चीज बताओ ये क्या 1000 से बड़ी मिलेगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, एक से भी कम मिलेगी, ये वन से भी लेस मिलेगा। इसलिए क्या मतलब हो गया, ये जो पूरी वैल्यू आएगी बहुत छोटी वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ये वाला पार्ट, जो ये जो पार्ट आपको एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये बहुत छोटा आएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू हमें कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक, तो हमको सिर्फ इसी वाले पार्ट का एरिया पता लगाना है, जिसका एरिया पता लगाना आसान है, ये क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये बात समझ में आ गया? आपको ये चीजें बिल्कुल पता रहनी चाहिए, क्यों कैसे हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एक तीसरे कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें याद रखिए। पहली बात तो एक ही याद रखिएगा, जो फंक्शन अगर कोई भी जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस फंक्शन का होना मस्त है। दूसरी बात ये आप जान लो, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि हम इससे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। अगर आप फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। और इसमें हमने एरिया निकालना है तो सारे स्ट्रिप्स को अलग अलग करके फाइंड आउट करके एरिया निकाल लेते हो, दोनों चीजें आपको बिल्कुल पता रहनी चाहिए। अब आइए एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का मतलब क्या है, देखो अब फिर से मैं आपको स्ट्रिप बना के दिखाता हूँ। आप जितनी बार मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ, अगर आपने इतनी बार चीजों को रिवाइज कर लिया, अगर वीडियो को के साथ अगर आपने कॉपी पेन लेके अगर इसको रिवाइज कर लिया, बिलीव मी गाइज, आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसा हमारा ये कुछ ऐसा था। अगर आपको हर एक स्ट्रिप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्ट्रिप एन है, मान लो ये आता है, ठीक। अगर स्ट्रिप्स हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे आप? देखो मैं केवल ये वाला अगर स्ट्रिप पकड़ता हूँ, देखो मैंने कहा था ये वाला पॉइंट होता है एफ ऑफ ए, ए प्लस जीरो था तो इसको एफ ऑफ ए लिख लो, जीरो ऐड करने का कोई मतलब नहीं। ये वाला पॉइंट क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये दिखाया था। ए वाला पॉइंट होगा एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, यहाँ तक वाला पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखो हमें इसी चीज का यूज करना है, क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कैसे किएंगे। देखो देखो एक चीज आपको पता होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता ही है सम करना, ये आपको पता है, ये पीछे के वीडियो में कंफर्म है। अगर आपको इस पूरे फंक्शन का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, इसका 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 सबको जोड़ के फाइंड आउट करना है एरिया, तो आप सबका एरिया निकाल लो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको एरिया का एक्चुअल मीनिंग उस पूरे कर्व के लिए पता लग जाएगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम उसका एरिया निकालते हैं, सम ऑफ एरिया लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं, सबसे पहला काम तो यही करो एच, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ ए पहला वाला पॉइंट, अगर उसमें हम देखो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, एफ ऑफ ए है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको। हाँ ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एफ ऑफ ए है और इसकी चौड़ाई क्या है एच। अगर एफ ऑफ ए में एच से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया होगा कि नहीं, तो ये पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एच, दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, तीसरे वाले का एरिया एफ ऑफ ए प्लस एच के पास 2h कर दोगे, है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, ऐसे करते रहते जाओगे ना, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच करोगे और यहाँ पे एक h और रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें से हम h कॉमन ले लें, एच कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके आगे जाओगे प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h,
ऐसे करते करते जाओगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये इसी का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना, इसी का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरे वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है ये उसकी उसका समीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका एक टर्म हो गया, एक पार्ट तो ये हुआ। और दूसरे इसको थोड़ा सा अगर और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म करके लिखें तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो आप, इस चीज को हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे एच की जगह पे, एच की जगह पे बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए ओवर एच रखें, एन रखें, एच इक्वल टू, यही तो बताया था बी माइनस ए ओवर एन, एच की वैल्यू थी निकाली थी। अब पूरे अगर फंक्शन में एच टेंड्स टू जीरो है, जहां लिमिट लगा लो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे करते करते जाओगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच करोगे ना, तो ये जो वैल्यू आ रही है एच, यहाँ पे आपको पढ़ा था, ठीक है, अगर इसको अगर सॉल्व करोगे देखो ए एन टाइम्स जा रहा है और एच की जगह पे बी माइनस ए ओवर एन रखोगे ना, तो ये समीशन जो आएगा आपको मिलेगा, आपको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख करके दिखा रहा हूँ, बी माइनस ए ओवर एन कॉमन ले लो, क्योंकि देखो ये जो एक्चुअल में बी माइनस ए ओवर जो एन के फॉर्म में आ रही, पूरे में सभी में आएगी बी माइनस ए ओवर एन आएगा सभी में जो आ रहा है, हमने एन टाइम से देखो ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये वाली कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको हम क्या कर लिए बाहर ले लिए, ठीक है एच। अब इसको क्या कर सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस एच करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ऐसा। तो ये भी इसका एक पार्ट है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एच वाली जो टर्म की वैल्यू निकाली थी एच इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, वो चीज एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट आपका ये हुआ जो कि आपको दोनों पता रहना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म और बिना सिंप्लीफाइड वाला फॉर्म है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, इस पार्ट के बाद एक हम नए